संगवारी हो, राम राम सबो झनला। मैं आप मन के दोस्त राहुल कलार मुलत जानत हो। अबे देखो, ये मोर दोस्त अनिल विश्वकर्मा, जेकर से हम मिले रहे पिछले वीडियो में, मुलाकात हो रही है आपके साथ। अनिल भाई का करत हस? देखो सब कुछ चौक होते, आज हो गए यो गाड़ी चौक हो गए है। तो ये हमारे देखो गैरेज के नाम दिखाते भैया, कार रिपेयरिंग वर्कशॉप, ठीक है। तो देखो अनिल भाई, अनिल भाई चुंदी मुड़ी से एक करे कन बने से हीरो का ऐसे देख देख ऐसे कर, ठीक। चलो मोर चश्मा कहाँ है, हीरो का देखू या चश्मा लगा दे। तो बहुत दिन बाद आज हमारे मुलाकात हो है अनिल भाई साथ। रुक जा भाई, बना तो वीडियो मस्त वाले, लग गए चश्मा। आप देख भाई, आप लगा हीरो टाइप है ना, ठीक। और वो हमारे छोटू भाई, छोटू भाई कहाँ से गा है छोटू भाई, ये भी देखो। सब अपन अपन काम बूतम लगे, का करत है इसका टंकी साफ करा, काका टंकी है जीतो। अच्छा जीतो के ये लगे थे जीतो, जीत भाई आराम से जीत गा। अजय भाई, अजय भाई कितो गा, अजय भाई के वीडियो बन गए दिन हमारे मन के काम हुई से है ना, वीडियो भेजे गाड़ी के खुश है आदमी है काम देख के, काम अच्छा लगे ना। हाँ ये का करत है इसका, ये बस रिप्लेस करना है, रिप्लेस करो। तो चाय पानी कहीं पूछबे सगा होगा आन सगा, चाय मंगाओ। चलो नाश्ता रोक मंगा लेवे, समोसा बड़ा भजिया है ना। चलो ठीक संगवारी, बने रहो वीडियो में। फिर आज के बहुत मजा आई आज वीडियो में। आज विषय मन जाने वाले हैं खैरागढ़, और खैरागढ़ जाऊँ मैं, ये धोखा दे मोला, ये जाऊँ कि सब जात नहीं हूँ संग आज है खिले जा कहाँ थे, तो जाना तो है। और जाल पढ़ी भैया काबर की आज की वीडियो पूरा नहीं हो पाई, वो चक्कर में नहीं जाओ था। चलो ठीक भैया फिर छोटू। अरे तो मोजा काला हो जीवर पहन लगा। राम राम किसान भाई मल्ला, धमन पहुंच गए हैं खैरागढ़, खैरागढ़ जैन मोटर्स जान डियर के देख लो भैया डिपो है। कितना सारा गाड़ी यहाँ पे है, 5405 5045D 5105 जैन मोटर खैरागढ़। ये देखो स्टॉक देखो 5405 5310 सब BS4 मॉडल, जो नया मॉडल अब आ चुके कंपनी लॉन्च कर डले है, एकदम जबरदस्त एक तो गाड़ी दिखाएंगे हम आज ला, जो खैरागढ़ जिला और राजनांदगांव जिला में शायद तक पहला गाड़ी CRDI में 75 HP जो लॉन्च हो गए कंपनी से बहुत दिन से, लेकिन यहाँ बुक हो है आज। देखो भाई यार ट्रैक्टर बोलना बहुत गलत बात है, बोले जाए तो हाथी बोल सकते हैं, और सहगो हाथी भैया भाई आ जाए सामने में, आ जाओ कोई भी घन आ जाओ, कोई भी घन आ जाओ। देखो भाई हाथी इसने ही नहीं कहा था ना, महा टेकर चक्कर साइज देखो भाई, ट्रैक्टर मतलब ट्रैक्टर मत कह करो भाई, ये बोलते देखो ये का साइज है ट्रैक्टर के, आदमी बड़े चक्का दिखा थे, चक्का बहुत बड़े हो गए सर सामने में, बताओ टायर के साइज का है 18-4-30, जो हार्वेस्टर में टायर डल गया थे वो वाले टायर लगे ट्रैक्टर के पीछू चक्का में, आगू चक्का में का नंबर है 12-4-24 के, ये देखो 12-4-24 जो पहले ट्रैक्टर आए छोटे छोटे वाले 35 HP वो कर पीछू टायर बन गए वे में के आगू के टायर, इतना बड़े ट्रैक्टर है। मॉडल नंबर है 5075E जॉन डियर पावर ट्रैक विथ JD लिंक, JD लिंक बताए थे हमारे सर है, JD लिंक के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले वो JD लिंक यहाँ है। देखो जॉन डियर का सबसे अच्छा खासियत ये है किसान मित्र मन कि मैं जो भी चीज़ अगर कंपनी लगा कर देते तो बराबर लिख के देते कंपनी है, बोनट में लिख के आगे है, JD लिंक के साथ है। तो हमारे संग अच्छा ये कहा है सर, ये वो हुड के लिए जो मारवाते है ना, तो इसे तो बहुत पहले हाँ भाला की स्पीकर बता सर, स्पीकर लगा सकते हैं करके, लेकिन इसका सबसे बड़े महत्व है ड्राइवर की सेफ्टी का है। आज के डेट में होते गाड़ी है पलट जाते कभू कभू, खेत में चलत मत ही काम में, नदी में गए घाट में गए गाड़ी है तो पलटी जब हो जाए तो पलटी हो पूरा गाड़ी है पलट के में जाकर रुक जाए। और लगभग लगभग एक कैपेसिटी है दिखाते हैं, कैपेसिटी लिखे भी हो ही तो थोड़ा सावधान रहना किसान भाई मन है, एक कैपेसिटी यहाँ पे तो फिलहाल नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है 3-4 टन की कैपेसिटी है। 4 टन मतलब अगर 2 टन ट्रैक्टर ऊपर में खड़े भी कर दे वो खर ऊपर में तो बेंड नहीं हो तक सर, यही कैपेसिटी है कर। और हमारे संग जुड़ चुके हैं फाउंडेशन बनाया है, जी नीचे से फाउंडेशन है ये जो फाउंडेशन बनाया जी। और किसान संगवारी हमारे संग अब जुड़ चुके हैं जैन मोटर के ऑनर जैन साहब आ चुके हैं, थोड़ा से सर
जेडी लिंक के बारे में थोड़ा जानकारी मिल जाती है। जेडी लिंक क्या है, वर्तमान में जितने भी BS4 गाड़ियां आ रही है, चाहे अपन कार सेगमेंट में ले लें या और भी जो ट्रक आ रही है, वैसे ही जेडी लिंक इसमें चालू किया है कंपनी ने। जेडी लिंक ये है कि गाड़ी आपको कहाँ चल रही है, लोकेशन, लोकेशन के साथ साथ कितने RPM पे चल रही है, कितना डीजल ले रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन में चल रहा है, उसका पूरा लाइव लोकेशन आपके मोबाइल में सेव रहेगा और वो लगभग 6 महीने तक का डाटा आपके मोबाइल में एनी टाइम मिलेगा आपको। अब 6 महीना के लिए मुनिम मतलब छुट्टी, हाँ 6 महीने तक आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं, और चाहो तो आप वीकली या मंथली उसको सेव करके रख सकते हो। गाड़ी कहाँ आ है, कहाँ गई है, सब चीज की जानकारी, RPM में चला है, किस स्पीड में, मतलब वो कितना डीजल लिया है, वो सारा जानकारी आपको आपके मोबाइल पे ही रहेगा। और वो लोकेशन से इवन ट्रांसपोर्टेशन अलग होगा तो ट्रांसपोर्टेशन को वो शो करेगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन में चला, मतलब गाड़ी है रोड में दौड़ा थी, रोड में दौड़ा था। अलग डिटेल आना है, मिलेगा खेत में तो खर डिटेल अलग है। तो उसके अलावा गाड़ी में अगर कोई भी थोड़ा भी प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो कूलेंट को लेकर के हो, चाहे आयल को लेकर के, वो सारा इसमें आपको डिटेल मिलेगा। जबरदस्त चीज ये है कि भाई देखो, लॉक सिस्टम है गाड़ी में। लॉक का मतलब यह है, पहले का बैटरी चोरी होकर बहुत समस्या स्ट्रक्चर में, अब तो हो गए चाबी सिस्टम, ताला लगाओ लॉक हो गए। ये भाई हमारे गाड़ी के इंजन, और ये है जेडी लिंक के सिस्टम। तो खैर एकदम डिटेल वीडियो आप लोग मिली अलग से और वीडियो में कवर, बहुत लंबा बनी अगर गाड़ी के तो डिटेल निकालो ना मन, हाँ गाड़ी में का है, गाड़ी में का नहीं है, का कमी है, का प्लस पॉइंट है, का माइनस पॉइंट है, बहुत सारा बन जी। तो चलो फिर थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ डिटेल ले लेते हैं ना मन, हाँ हमारे को एक मैकेनिक भाई आ जाओ जो ट्रेनिंग लेकर के आया है या जो थोड़ा भी डिटेल पता है गाड़ी के बारे में, नॉर्मल कुछ कुछ चीज़ बता दो अपन से, बाकी वीडियो की डिटेल वीडियो अपन बनाबो आराम से, कभी गाड़ी चला के भी देखबो कैसे है गाड़ी है। और चलो ठीक, तो हमारे बीच आ गए हमारे मैकेनिक भाई, नमस्कार भाई, राम राम। राम राम, बता भाई गाड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, एकदम सेंसर लगे हुए ऐसे भाषा में समझा जी किसान मतलब समझ आए बस, है ना। हाँ तो गाड़ी के बारे में कुछ कुछ देखो, नवा टेक्नोलॉजी के नवा ट्रैक्टर आगे है 75 HP, ये मेरा भैया 13 सेंसर लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और प्लस पॉइंट ये डेंसो के पंप लगे हुए जो 1800 bar प्रेशर बनाते हैं, हाई प्रेशर कमर रेल। अच्छा, जो अब पंप लग के आते डीजल पंप, इनलाइन पंप नहीं है, 300 के पंप लगे हुए, बॉस के नहीं है। अच्छा, जो पहले डीजल पंप आए वो आए एक तो इनलाइन पंप पुराना वाले, ओकर बाद फिर का हुई से रोटरी पंप चालू हुई से, ओकर बाद में कहाँ पंप दिखा भैया, ओकर बाद फिर नया कुछ आया है, अब कहाँ का बताते भाई, नाम तो हमारे समझ में नहीं है। प्लस चीज मतलब हमें फायदा एक बहुत माना कि का फायदा, 300 के पंप, ये 300 के पंप बता भैया, मैं देखो छोटे से पंप है, पंप के का काम है भैया, हाई प्रेशर कमर रेल, मतलब जो जितना सेंस कर ही ना गाड़ी जितना डीजल चाहिए, अच्छा अच्छा, उतना ही ओला प्रेशर से ओला डीजल दिए। भाई कनान बुरा मत मान, बेकान सामने मान है रनान, फिर खड़े होने का ट्रैक्टर के टायर में, ये देख लो भाई जत का बड़ा आदमी वत का बड़े चक्का से ट्रैक्टर के, तो मतलब सोच लो, देख लो भैया आओ कितना चाहिए, बहुत विशाल का है, हाथी जो बोलना चाहिए हाथी ही है। और चलो फिर थोड़ा से मैं पहले देखता हूँ गाड़ी के बारे में, गाड़ी की जानकारी कुछ लेता हूँ, फिर बंथन वीडियो में आगे, और बहुत सारा चीज़ मिली आप लोग, अभी पूरा वीडियो बना के दिखाता है ना आप, ठीक। राम राम, नमस्कार, तो हमारे संग जुड़ चुके हैं संजय गुप्ता भाई। राम राम भैया जी। तो संजय भैया एक चीज़ बताओ जी, आपके निक नाम क्या है भैया? संजय गुप्ता, सोनू के नाम। सोनू, तो सोनू भैया मोड़ा थोड़ा से देखो भैया, मैं भी पहुँच चुके हूँ देख लो, है ना। सोनू भैया हम अभी कहाँ खड़े हैं? जैन मोटर्स खैरागढ़। जैन मोटर्स खैरागढ़, जैन डियर के शोरूम है। जैन डियर के शोरूम जी। तो थोड़ा से भैया गाड़ी डिटेल दे रही, तो आप गाड़ी जानकारी दो जी। बिल्कुल जी, नमस्कार किसान भाइयों, अभी हम खड़े हैं जैन मोटर्स खैरागढ़ में, लोकेशन है खैरागढ़, ठीक है। ये अभी नया मॉडल लॉन्च हुआ है 50-75 करके, 50-75 जो है ई प्लेटफॉर्म की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, ये जो नया मॉडल की ना BS4 यानी ट्रम्प 4 की गाड़ी है, ठीक है। अभी अपन जो देखा तो ये 4-wheel गाड़ी है, 4-wheel WD, इसमें अपन बहुत सारा फीचर्स, नया फीचर वगैरह है, तो अपना जानकारी दे जाता हूँ। पहला तो ये टायर, अगला टायर जो है दे हुए है, ये में साइज देखा है अपन 12-4-24 साइज, जैसे अपन देखा तो ये है बड़े साइज की ना लॉस्ट टायर है, 12-4-24 जो पहले मान के चलो छोटे गाड़ी में 12-4 जो नंबर टायर लग के है, छोटे टायर आदेश अभी वाले मॉडल नहीं, नहीं पुराना गाड़ी में छोटे छोटे गाड़ी जो है 12-4 के टायर लग के पीछे टायर आए हुए, तो सामने लग गए टायर, बहुत बढ़िया, अच्छा है और पकड़ भी अच्छा, मतलब जो वर्किंग के हिसाब से चौड़ा तो भरपूर है।
तो कोई भी अपन इम्प्लीमेंट में अगर कार्य करा सकते हैं बहुत अच्छे परफेक्ट है। और साथ में अपन जो देखा जाए पीछे टायर है 18-4-30 के टायर जो बड़े टायर है हार्वेस्टर वाले टायर हो रहे हैं ना, हार्वेस्टर वाले टायर जैसे बड़े इम्प्लीमेंट कहीं चलाना है हैवी वर्क काम के हिसाब से बड़े साइज के टायर। अभी अपन आप जो देखा तो ये पावर ट्रैक मॉडल है, पावर ट्रैक मॉडल में जेडी लिंक के साथ दे हुए पावर टेक जेडी लिंक के बारे में जानकारी थोड़ा सा। अपन ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं कंस्ट्रक्शन या कहीं भी या बाहर वगैरह लेके जाते हैं गाड़ी तो अपन मोबाइल के माध्यम से आपला बैठे बैठे जानकारी मिल जाए कि आपकी गाड़ी कहाँ चला थे कितना चला थे कितना देर काम करी कितना डीजल खपत करी ये सब चीज़ की आपकी जानकारी आपका जेडी लिंक के माध्यम से। ठीक है भैया आइए आगे बढ़ते हैं। ये अपन चढ़े उतरे के लिए अपन फेस गार्ड दिए हुए हैं जो अपन हीट वगैरह काम करे के लिए बढ़िया है, जिससे अपन लंबा समय तक काम करा था तो गरम गरम हवा अपन पैर में ना आ जाए एक लिए अपन हीट शील्ड करके दे हुए हीट गार्ड मतलब गरम हवा इतना पाए मत करके। जी 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 बढ़िया। अब ये आप जो डैशबोर्ड जो देखा था ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में दे हुए तो पूरा चीज की जानकारी आपका मीटर में ही मिल जाए कब आपकी गाड़ी गर्म होते कब आपके डीजल कंजम्पशन होते या ट्रैक्टर में कहीं कोई फॉल्ट आते हैं कोड जनरेट भी हो जाते कहीं कोई जानकारी चाहिए तो अपन पूरा माध्यम से। सुनो भैया एक बात पूछूं का। जी भैया एमए लिखा है गियर प्रो जी है ना और एक ओ तरफ से शायद वो गाड़ी में खाई 54 बैठो कहाँ बार बार उतर हो गियर प्रो के बारे में सुनो भी ज्यादा अच्छा से बताई हालांकि मोरो का गाड़ी गियर प्रो लेकिन चलो भैया थोड़ा सा गियर प्रो जो गियर प्रो के माध्यम से क्या होता है गियर की टीथ है टीथ जो सीधा सीधा ना रहा है गियर तिरछा है और एक सपोर्ट भी करते ना जिसे अपन वर्किंग टाइम में जो सपोर्ट करा था तो गियर एक स्लिप नहीं मारे। और गियर प्रो के बारे में थोड़ा जानकारी देते तो पहले जो गाड़ी आ रही है गियर शायद कुछ कम रही से कुछ ज्यादा रही से थोड़ा जानकारी भी अभी जो गियर प्रो नया मॉडल आया है वो में ए बी सी डी करके चार स्पीड रेंज है जैसे आप यहाँ दिखाओ देखो ए बी सी और डी ए बी सी डी जो है ना चार स्पीड रेंज आ जाती है स्पीड रेंज जैसे गाड़ी में पहले एक लो एक हाई लग के आए अभी मैं मतलब टोटल चार गियर होगी लो हाई करके और तरफ का है भैया स्पीड के रेंज बढ़ जाती है अच्छा। काम करे क्षमता ही बढ़ जाती है गियर के स्पीड सिस्टम के साथ। अच्छा 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 ठीक है भैया और इसमें फर्स्ट रिवर्स थर्ड के अलावा ये में रिवर्स दे और साथ में अपन पार्किंग में अभी जो स्पीड जो गियर लगे हुए में पार्किंग ब्रेक लगे मतलब हैंड ब्रेक लगा के दे दे हम ठीक ठीक और एक यहाँ पर स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक मोड भी दिया। अच्छा डबल मोड वाली गाड़ी है जैसे कम लोड में अगर काम चलाना है ना काम करना है तो इकोनॉमिक मोड के बटन दबाएंगे और हैवी स्पीड में ज्यादा स्पीड में अगर काम करना है तो स्टैंडर्ड मोड के लगाएंगे एचपी कम ज्यादा कर सकते हो आप अपनी वर्किंग के हिसाब से। सुनो भी एक बात हो आज हम पहुंचे जान डियर के शोरूम गाड़ी के टेस्ट ड्राइव लेवल 75 स्पीड की गाड़ी बहुत विशाल का हाथी हो जान दो टर्निंग जबरदस्त है टर्निंग दिखा भाई टर्निंग दिखा दे गाड़ी के टर्निंग भी चेक कर जाओ आप दिखा दे घुमाओ गाड़ी लाओ चक्कर दिखा दी ये देखो टर्निंग देखो टर्निंग रेडियस तो बोलते हैं नंबर है नहीं चाबी ले बंद चाबी चालू और हमारे संग अभी 7 दिन वीडियो बनाए में हमारे मैकेनिक भाई खाना भाई तो नरेंद्र धुर्वे करिए करिए दिखा था भाई ऊपर देख तो ऐसे हाँ भाई संजोर ए हमारे भाई देखते लाइट लगा लखी जैसे लगा था नहीं चलो ठीक फिर बाकी कुछ देखते हैं गाड़ी के बारे में जो